एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्टी टेलीकास्ट। दिस इज़ मारुशा अली। कैसे हैं आप सब लोग? भाई सबसे पहले तो जो है मैं आप लोगों को बोलूँगी सॉरी, क्योंकि यहाँ पे जो है वो गाड़ियों का शोर बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, इसके बदले में एक जो है इंसेंटिव भी है, वो ये है कि जो आज का व्लॉग होने वाला है वो बहुत ही कोई यूनिक सी चीज़ के बारे में है। बेसिकली मैं चलो थोड़ा मैं आपको सस्पेंस क्रिएट करते हैं ना, आप लोग खुद से गेस करिएगा। बेसिकली जो आज का स्नैक है वो नेपाल में जो है इन्वेंट हुआ था फर्स्ट टाइम, लेकिन पिछले कुछ टाइम से जो है वो साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा इसकी हाइप क्रिएट है। मैं बात कर रही हूँ मोमोज की। हम लोग जो है वो भाई बस इसी जद्दोजहद में लगे रहते हैं, कहाँ मोमोज खाने जाएँ कहाँ नहीं। लेकिन मोमोज जो मैं आज खाने आई हूँ वो मैं आई हूँ करीमाबाद पे। ये जो है एक स्ट्रीट पे, अच्छा एक मैग्नेट मॉल है, उसके आगे थोड़ा सा जो है वो स्ट्रीट पे इन्होंने अच्छा सा डेकोरेट किया हुआ है। इसका नाम है मोमोज कैफ़े। तो यहाँ मोमोज का जो है खाते हैं, प्राइस देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, और देखते हैं कि यहाँ पे पहली बार जो हमें मोमोज फाइनली मिल गए हैं तो हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। इन्होंने जो है वो हमें दिया है इसके साथ चाट मसाला, चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका। अब बारी आ गई अगर मैं टेस्ट की आप लोगों को बात करूं तो बेसिकली ये मैदे में जो है वो फिलिंग होती है, हर जगह अलग अलग है। जैसे कोई लोग बीफ में करते हैं, चिकन में, चीज़ में, वेजिटेबल्स में, लेकिन यहाँ पे जो है वो मैं मोमोज कैफ़े बोलने वाली मोमोज कैफ़े में जो है इन्होंने दो चीज़ें, दो वैरायटी है यहाँ पे, चिकन की है और बीफ की है। तो लेकिन जो इसका टेस्ट है वो है, इन्होंने स्टीम मोमोज स्टीम करके बनाया है, ठीक है ना। अब जो है भाई दूसरा बाइट इसका खाते हैं। सोया सॉस मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, देखते हैं कैसा है। तो टेस्ट का मैं आपको बता दूँ, इसका जो है वो इसके अंदर जो है, अच्छा ये बहुत तरीके से बनते हैं, फ्राई होता है, स्टीम होता है। इन्होंने जो है वो चिकन को जो है वो अंदर इसकी फिलिंग करके और प्याज, हरी प्याज को जो है वो स्टीम किया है, क्योंकि अच्छा बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है वो फिर जो है मैदा जो है वो फट जाता है। तो इसका जो फ्लेवर है वो बहुत लाइट सा फ्लेवर है और जो है मिर्चें वगैरह बिल्कुल नहीं है। तो इसके साथ इन्होंने सॉस दी हुई है, अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप सोया सॉस और चाट मसाले के साथ इसको इंजॉय करें। तो मोमोज तो हमने टेस्ट कर लिए, अब बारी आ गई है रिव्यू की, और रेटिंग की बारी आ गई है। रेटिंग जो है मैं इसको सबसे पहले बताती हूँ, मैं दूंगी इसको 10 में से 7। और इसकी जो प्राइस थी वो थी 5 पीसेस इन्होंने हमें दिए थे वो थे 250 के, तो आई थिंक विच इज़ वेरी रीज़नेबल, और जो है उसके हिसाब से क्वांटिटी बिल्कुल ठीक है। और टेस्ट मैंने आप लोगों को बता दिया, अगर जो लोग जिनको स्पाइसी खाना नहीं पसंद, फीका अच्छा लगता है, तो वो उनके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। एंड जो है सॉस की मैं बात करूँ तो इसके साथ चटनी होनी चाहिए थी, क्योंकि चटनी ही जो है वो इसका इसके साथ अच्छा और ज़्यादा अच्छा कॉम्बो करेगी। और दैट्स इट, इसी के साथ अपना ख्याल रखें और ज़िंदगी को इंजॉय करें, दुआओं में याद रखें मुझे। एंड अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।